लेकिन भगवान ने हमें एक मौका दिया है प्यारे दोस्तों कि हम अपने अपने घर में बैठकर इस विश्व के सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर तो आपके लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं बच्चों, और मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग भी अपने अपने घर में हर दिन इस कोरोना हमारे देश से हमारे विश्व से निकल जाने के लिए ईश्वर से हर दिन प्रार्थना करते होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सातवां पाठ जिसका नाम है कलीसिया जो आपस में बांटता है। तो दोस्तों, इस कलीसिया जो समूह है जो आपस में बांटता है, इसके बारे में एक सुंदर सा उदाहरण हम अपने बाइबल में देख सकते हैं। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 13 से 21 में हम देखते हैं। All the multitude. This is a desert place, and now the time's far past. Send them away that they may go into the villages and buy themselves bread. They have nothing to eat. Give ye them to eat. Shall we go and buy 200 penny worth of bread and give them to eat? How many loaves have ye? 5 and 2 fishes. Bring them to me. Divide the people into companies of 50 that they might be fed. O Father, Lord of heaven and earth, I thank thee for thy bounties. Amen.
दोस्तों, इस घटना से हमें यही समझता है कि कलीसियाई समूह जो है वह आपस में बांटता है। जब शिष्य लोग कहते हैं कि उन्हें अपने गांव में जाकर उनको खाने के लिए कुछ खरीदने दो, लेकिन ईसा ये नहीं मानते हैं और लड़के के पास जो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी वे उन लोगों में बांटने को कहते हैं। और इसके बाद आगे क्या होता है तुम्हें मालूम है। ईसा वह मुक्तिदाता है जो भूखे और प्यासे, रोगी और पीड़ित तथा पाप बोझ से दबे हुए लोगों को ढूंढते आए थे। उन लोगों के प्रति उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने अपना मांस और रक्त, अपना जीवन तक प्रदान किया। ईसा का यह मनोभाव, बांटने का मनोभाव, उनके शिष्यों को अपनाना चाहिए। ईसा का अग्रदूत योहन बपतिस्ता जनता से यह कहते थे, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह 1 उसे दे दे, जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। ईसा की शिक्षा में भी बांटने का संदेश भरपूर है। वह कहते हैं, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। जो तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाया हाथ यह न जानना पाए कि तुम्हारा दाया हाथ क्या कर रहा है। भूखों को बांटने के लिए ईसा ने रोटियों का चमत्कार किया था। ईसा का यह आदर्श एवं शिक्षा जारी रखने के लिए नियुक्त किए हैं कलीसिया। उसे अवश्य ऐसा समूह होना चाहिए जो आपस में बांटता है। ईसा की अनुकंपा एवं बांटने का उनका मनोभाव आदिम कलीसिया ने पूर्ण रूप से अपनाया था। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं, विश्वासियों का समूह एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपने ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे और प्रभु भोज में तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे और आपस में बांटने से अपनी एकता प्रकट करते थे। अपना सब कुछ आपस में बांटने से उनमें उदारता का मनोभाव बढ़ा तथा उनके बीच कोई गरीब नहीं रहा। धनी होते हुए भी मसीह हमारे लिए दरिद्र बने। उनके आदर्श के अनुसार हमें उदार होना चाहिए। दरिद्रों के प्रति चंदा इकट्ठा करने तथा दान देने के विषय में प्रेरित संत पौलुस अपने पत्रों द्वारा हमें प्रेरित करते हैं। ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। दान देना ईश्वर को स्वीकार्य बलि ही है। प्रेरित संत याकूब यह सिखाते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करते हुए हमें कर्मों अपना विश्वास प्रमाणित करना चाहिए। मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के लिए कपड़े हो और न रोज़ रोज़ खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भरपेट खाइए, किंतु वह उसके शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं दे तो इससे क्या लाभ। इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। इस प्रकार की शिक्षा द्वारा प्रेरित आदिम कलीसिया को प्रेरणा और उदाहरण दिया करते थे, जिससे वह उदारता से आपस में बांटे। आदिम कलीसिया
रोटी तोड़ने का वक्त, गरीबों का ध्यान रखने का अवसर भी था। प्रभु भोज की सभा में गरीबों की उपेक्षा करने के प्रति प्रेरित संत पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को डांटते हैं। यहूदिया की निर्धन कलीसिया के लिए चंदा लेने के विषय में संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों में हर एक प्रति इतवार को अपनी आय के अनुसार कुछ अलग कर दे और अपने यहाँ सुरक्षित रखे। पुनरुत्थान की प्रतीक्षा ही आदि मसीह समूह को यह प्रेरणा देती थी कि वे अपने पास जो कुछ था उसे ईश्वर की जनता के साथ बांटे। तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। न्याय के दिन के संबंध में ईसा की इस शिक्षा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। जो दुनियाई सुरक्षा में आसना रखते हैं वे ही आपस में बांट सकते हैं। ईश्वर में दृढ़ आशा ही हमें इसके लिए प्रेरित करती है। संसार का सब कुछ नश्वर है, जितना भी कमाकर इकट्ठा किया हो मरते वक्त उसमें से कुछ भी नहीं ले जा सकते। यह बोध ही आपस में बांटने में मनुष्य को सहायता देता है। यह बोध मनुष्य को ऐसे सत्कर्म करने को प्रेरित करता है जो मरने के बाद भी उसे साथ देंगे। पवित्र बलिदान मसीही जीवन का शक्ति केंद्र है। आपस में बांटने में वह हमारी सहायता करता है। पवित्र बलिदान में जो रोटी तोड़कर दी जाती है और जो पेय बांटा जाता है, वे आराधकों के समूह को यह प्रेरणा देते हैं कि वह अपने कर्मक्षेत्र में स्वयं को तोड़कर बांटे। हमें भी जो ईसा के बलिदान में भाग लेते हैं आपस में बांटने को तैयार होना चाहिए। जब हम अपना ज्ञान और क्षमता, समय एवं धन, स्वास्थ्य और सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए व्यय करेंगे, तब हम कलीसिया के स्वभाव, आपस में बांटने के स्वभाव के साक्षी होंगे। संसार की जनसंख्या में अधिकांश गरीब वर्ग है। उनका आशा केंद्र कलीसिया के परोपकारी कार्य है। कैथोलिक कलीसिया की संस्थाएं अपनी मेहनत के फल तथा क्षमताएं अपने लिए नहीं रखती है, परंतु सार्वजनिक भलाई के लिए उनका उपयोग करती है। कलीसिया द्वारा संचालित विद्यालय, अस्पताल, अनाथालय, परामर्श केंद्र, मानसिक चिकित्सालय, कुष्ठरोग चिकित्सालय, मानसिक एवं शारीरिक लोगों के लिए चिकित्सालय, जेल से छूटे लोगों एवं उनके संतानों के लिए पुनर्वास केंद्र, एड्स तथा कैंसर रोगियों के संरक्षण के लिए चिकित्सालय आदि आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। कोढ़ियों की सेवा करके कोढ़ी होकर मरे फादर डेमियन, बेचारों और अनाथों का सहारा बने संत विंसेंट डी पॉल तथा परोपकारी कार्यों द्वारा विश्वभर की माँ बनी मदर तेरेसा कलीसिया के लिए सदा गर्व के पात्र है। बेसहारे, दुखी एवं पीड़ित लोगों के प्रति कलीसिया को सदा कार्यरत रहना चाहिए। कलीसिया की संतानों को चाहिए कि परोपकारी कार्यों में अपनी क्षमता के अनुसार भागीदार होते वे आपस में बांटने वाली कलीसिया को संसार के सामने प्रस्तुत करें। तो इस पाठ के लिए आपको यही होमवर्क है कि आपको अपने परिवार में और आपस में आपको जो कुछ भी भगवान ने क्षमताएं दिए हैं वह एक दूसरे के साथ बांटना है। ठीक है, तो हम अगले क्लास में मिलने तक बाय बाय।